मेरा नाम विकास दीक्षित है और मैं डेडेविल्स कप खेला था अपने स्कूल तरफ क्लास हंसराज मॉडल स्कूल की तरफ से, जिसमें काफ़ी सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था और हम रनर्स अप रहे थे इस टूर्नामेंट में। और मेरी इन सिक्स मैचेस आई टुक 13 विकेट्स एंड आई वाज अप्रिशिएटेड बाय द सीनियर प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उसकी वजह से मुझे डेयरडेविल्स कप के कैंप में चुना गया, नौ जनों को चुना गया था, उसमें से एक मैं भी था। तो उसमें हमें काफ़ी बड़े प्लेयरों से लाइक वीरेंद्र सहवाग, योहान बोथा, महिला जवर में इनके साथ खेलने का मौका मिला और काफ़ी बड़े कोचेस लाइक आशीष सर मतलब जो कि एक इंडिया के लिए पुराने ऑफ स्पिनर भी रह चुके हैं और मैं खुद एक ऑफ स्पिनर हूँ, तो उनसे उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की इस कैंप में। उन्होंने काफ़ी मेरे अंदर कुछ गलतियां थी बॉलिंग एक्शन वगैरह में, तो उन्होंने उसके बारे में बताया, जैसे कि मैं ओपन चेस्ट बॉलर हूँ तो मुझे साइड ऑन रह के बॉल डालना चाहिए। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और एक हमारे ट्रेनर थे रजनीकांत सर, उन्होंने बताया कि एक नॉर्मली एक स्पिनर के लिए कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी ड्रिल्स बताई, उसमें दो या तीन ड्रिल्स मतलब उन्होंने स्पेशली स्पिनर्स के लिए बताई। तो उसके कैंप ख़त्म होने के बाद भी मैंने वो रेगुलर रखी और मुझे लगा कि मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लाइक योहान बोथा जिनसे मैंने खुद बात की, क्योंकि ये वो भी ऑफ स्पिनर हैं और उनसे काफ़ी सीखने को मिला। उन्होंने एक बात ये की कि क्रिकेट इज़ अ मेंटल गेम, हमें जितना हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे उतना हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी स्किल्स के लिए बढ़िया। कि एक बॉलर को एक ओवर में 2 छक्के भी पड़ते हैं तो उससे अपने मोमेंटम लूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उसे अपनी गलतियां उसी टाइम सोचनी चाहिए कि उसने क्या गलती की और उस पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि और महिला जवरने की बैटिंग से मैंने ये सीखा कि आपको टेक्निकली इतना साउंड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो अपना माइंड यूज़ करना आना चाहिए बैटिंग में और एक बहुत ज़्यादा लेट खेलना आना चाहिए। क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें आती है ना आपको तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। तो ओवरऑल जो मुझे सीखने को मिला इस टूर्नामेंट से और इस कैंप से, तो वो ये था कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग।